गुड़ामलानी क्षेत्र के सरपंच संघ के लिखित समझौते से वादा खिलाफी और मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं करने से सरपंच संघ आक्रोशित है। बुधवार को सरपंच संघ की अध्यक्ष शायरी देवी सारण के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय गुड़ामलानी के आगे एक दिवसीय धरना दिया गया। इसके साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। गुड़ामलानी से अर्जुनदर जी की रिपोर्ट। धरने प्रदर्शन और आंदोलन के बाद बार बार ज्ञापन सौंपने पर सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर लिखित समझौता तो कर दिया गया, लेकिन समझौते के मुताबिक आदेश नहीं निकलने से आहत सरपंचों ने बुधवार को एक बार फिर से विरोध के स्वर मुखर कर दिए। गुड़ामलानी क्षेत्र के सरपंच संघ द्वारा लिखित समझौते की वादा खिलाफी एवं मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं करने से आक्रोशित होकर संघ अध्यक्ष शायरी देवी सारण के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय गुड़ामलानी के आगे बुधवार को एक दिवसीय धरना देकर नाराजगी जताई गई। इसके बाद सरपंचों द्वारा उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सरपंच संघ ने बताया कि पंचायत राज विभाग एवं सरकार के द्वारा सरपंच संघ से पंचायत राज मंत्री के साथ 21 मार्च 2022 में मांग पत्र पर समझौता किया गया था, लेकिन सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद भी जिन मांगों पर सहमति बन गई थी उनके आदेश जारी नहीं किए जा रहे। उन्होंने बताया कि नागौर दौरे के वक्त पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से महानरेगा में लगाए गए और अनियमितताओं घोटालों के आरोप के कारण सरपंच संघ आहत होकर भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। इस कारण आहत होकर सरपंच संघ के द्वारा सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन का निर्णय लिया गया है। वहीं सरपंच संघ ने अपनी 36 मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। एक दिन के लिए राजस्थान सरकार के प्रदेश संघ की तरफ से गुड़ामलानी पंचायत समिति का संकेतित धरना दिया गया। हमारी मांग है जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी, राजस्थान नागौर और बाड़मेर में बिना जांच किए हमारे ऊपर अंजाम लगाए उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा लिखित समझौता लागू नहीं करने पर सरपंच संघ में रोष व्याप्त है। सरपंच संघ का कहना है कि समझौते के मुताबिक आदेश निकालने के बजाय मंत्री द्वारा सरपंचों पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। बुधवार को गुड़ामलानी में सरपंच संघ द्वारा धरना देने के साथ ही 36 मांगों का ज्ञापन SDM को सौंपा गया। ज्ञापन देने के दौरान 31 ग्राम पंचायतों के महिला और पुरुष सरपंच उपस्थित रहे।